वापी में बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के होली मिलन समारोह में गुप्तेश्वर पांडे का हुआ आगमन। वापी बीते मंगलवार को वापी के होटल दान में बिहार के पूर्व पुलिस महानिदेशक और अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक गुप्तेश्वर पांडे का आगमन हुआ। वे बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के आमंत्रण पर होली मिलन समारोह में आए थे। इस मौके पर उन्होंने वापी, दमन, सिलवासा और वलसाड़ जिले में बसे बिहार के लोगों से मुलाकात की और उनसे ढेर सारी बातचीत की। इस मौके पर गुप्तेश्वर पांडे ने प्रवचन भी दिए। इस अवसर पर बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने गुप्तेश्वर पांडे का भव्य स्वागत किया। होटल के प्रवेश द्वार से ही उन पर फूलों की वर्षा की गई, फूलों का हार पहनाया गया। इस मौके पर गुप्तेश्वर पांडे ने अपनी मधुर आवाज से कुछ भजन पेश किए, जिसे सुनकर उपस्थित जन समुदाय मंत्रमुग्ध हो गया। कार्यक्रम के दौरान हमारे संवाददाता ने बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष विपुल सिंह से बातचीत की तो उन्होंने बताया, हमने पहली बार होली मिलन समारोह का आयोजन किया है। पांडे जी से हमारी मुलाकात होती रही है मगर कथावाचक के तौर पर हम उनसे पहली बार मिले हैं। ब्यूरोक्रेट के बाद पहली बार संत के रूप में उन्हें देखना सुखद रहा। इस कार्यक्रम में बिहार वेलफेयर एसोसिएशन के चेयरमैन डॉक्टर केपी सिन्हा, अध्यक्ष विपुल सिंह, सचिव प्रमोद सिंह, प्रवक्ता अजहर भाई, सह संयोजक लक्ष्मी झा, युवा प्रमुख रंजीत कुमार, रंजीत सिंह, श्यामधार सिंह, संगठन मंत्री सुबोध सिंह, रवींद्रनाथ गिरी, मुन्ना यादव, कोषाध्यक्ष अभय सिंह, नरेंद्र सिंह और महिला मोर्चा सुनीता तिवारी और अर्चना दुबे समेत बड़ी संख्या में उत्तर भारतीय समुदाय के लोग उपस्थित थे। देखिए, हम लोग होली मिलन समारोह इस बार रखे और सिलवासा आए हुए थे और हम लोग साथ 15 साल से जुड़े हुए हैं। गुप्तेश्वर पांडे जी जब बिहार के डीआईजी थे तो जुड़े हुए, हमारी संस्था भी जुड़े हुए हैं और उन्होंने बोला कि हम आएंगे और वो मुख्य अतिथि के रूप में कल आए और अच्छा उत्साह बढ़ाए हम लोगों को और बहुत सारी ज्ञान की बातें दिए। और इसी तरह हमारे संस्था के बारे में भी उनको पता है कि कोरोना काल से लेके गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, यूपी, बिहार, हमारे संस्था हर एक समाज के लिए काम करती है। आज हम लोग कोरोना काल में जो काम किए, गुजरात सरकार, बिहार सरकार से भी हम लोगों को सम्मानित हुआ और गरीब स्कूल में जो आदिवासी बच्चे भी बुक, पेन, पेंसिल, जो भी चीज़ें होती है हमारी संस्था करती रहती है और गरीब और सहाय के लिए हमारी कमेटी के तमाम लोग जो डॉक्टर के पी सिन्हा चेयरमैन हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं प्रमोद सिंह जी हैं, हमारे लक्ष्मीकांत झा जी सह संयोजक हैं, मनीष मिश्रा जी हैं, शिवकांत झा जी हैं, काफ़ी लोग हैं हमारी कमेटी में जो कि एन के सिंह जी उपाध्यक्ष हैं, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहता है सामाजिक काम संगठनों में करते रहते हैं। महिला मोर्चा में सुनीता तिवारी जी हैं, वो भी एक बहुत सामाजिक संगठन में अच्छी काम करती हैं। तो हमारी टीम बहुत अच्छी, स्ट्रॉन्ग और मजबूत है और हमारी टीम जो है पूरे भारतवासियों, जो भी गरीब तबके के लोग हैं और तकलीफ में है, कष्ट में है, जिस ढंग से हम लोग होता है मेडिकल से लेके हर एक मदद के लिए हमारी कमेटी काम करती है। ब्यूरोक्रेट के तौर पे आपने पांडे जी को कई बार देखा, पहली बार कथा भाषण के तौर पे वो आए थे, तो आपको उनका ये नया रूप कैसा लगा? नहीं, बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे ऐसे सामाजिक आदमी शुरू से थे, वो समाज के लिए वो एक्टिव रहते थे, लेकिन अभी जो हमारे संत बोला जाए, श्री माननीय संत श्री गुप्तेश्वर पांडे जी संत हो गए, अभी भागवत वाचक हैं, कल अच्छा शिक्षा के भी बात भी हमारे समाज को लोग कहे, होली गा के भी सुनाए, बहुत अच्छा लगा। और कल जो आप भी देखे होंगे मीडिया के माध्यम से, कल जो कार्यक्रम हुआ बहुत बेहतरीन ढंग से कार्यक्रम हुआ और शांतिपूर्वक से हुआ, एक दूसरे के प्यार मोहब्बत की जो होली की जो सेलिब्रेशन होता है, लोगों ने मिला, यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात के भी लोग, काफ़ी लोग हमारे संस्था में जुड़े हुए हैं, तो हम लोग आए थे और बहुत आनंद लिया गया है। कल लिट्टी चोखा भी था, आप देखे होंगे, खाने की व्यवस्था भी संस्था की तरफ से खाने का बढ़िया व्यवस्था था, लोग आनंद भी लिया और सब मज़ा भी बहुत लिए, कल अच्छा लगा, कल बहुत बढ़िया होली का जो है सेलिब्रेशन हुआ 28 फरवरी को, बहुत सराहनीय रहा इस चीज़ को। उत्तर भारतीय लोगों को आप किस कौन सा मैसेज देना चाहेंगे ताकि वो समाज से जुड़े और समाज को प्रमोट करें? हम यही आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं, हम लोग जो भी प्रदेश में लोग आए हैं, हम लोग का जन्मभूमि बिहार, यूपी, एमपी हो, लेकिन कर्म भी गुजरात है,
तो गुजरात की धरती के नमन करते हुए हम लोग एक एक आपस में भाईचारा ईगो को हटा दें, ये होली सामने आ रहे हैं, मिले के लिए मिले और हम लोग एक दूसरे को दुख सुख में काम आए, यही हमारे समाज को इतनी बड़ी अगर उपलब्धि मिलती हमारे समाज को, दूसरे को भेदभाव भूल के गले मिले। होली आ रहा है, एडवांस में होली की शुभकामनाएं, यही हमारी मेरा कहना है। खबरों में बने रहने के लिए K29 को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए।